अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे वाह, ये फ्रॉक तो आप पे बहुत अच्छी लग रही है। आपको पसंद आई? हाँ, ये बहुत अच्छी है। थैंक यू सेठ। तुलसी, मैंने फैसला किया है कि आपकी ममता बस्ती को गिरा करना, वहाँ सबके लिए नए घर बनाए जाएंगे। नए घर हम सबके लिए? सच्ची? मुच्ची। और पता है, तब तक के लिए वहाँ रहने वाले जितने भी हैं ना, उन सब का रहने का इंतजाम हम लोग करेंगे। और फिर आपके बंटी भैया, गजरी और गमला वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और जो उनके ऊपर पुलिस केस चल रहा है ना, वो मेरे लॉयर संभाल लेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। पर तब तक आप हमारे घर में हमारी मेहमान बनकर रह सकते हो। थैंक यू सो मच सेठ। अब दुनिया के सबसे अच्छे सेठ। थैंक यू मुझे नहीं, अपने बप्पा सेठ को बोलो। थैंक यू बप्पा सेठ। चिड़िया बना रहे हो आप? ये चिड़िया नहीं है, सिग्नेचर है। लेकिन सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर मतलब आपकी पहचान, आपका नाम, और इसके बिना कोई भी कागज अधूरा है। अच्छा, जैसे गरीब लोग अंगूठा लगाते हैं, ऐसे ही अमीर सेठ लोग सिग्नेचर? मतलब इसलिए सब लोग हमें अंगूठा छाप बोलते हैं। काश मुझे भी सिग्नेचर बनाना आता। मुझे तो अपना नाम भी अंग्रेजी में लिखना नहीं आता। तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। तुम आओ, इधर बैठो, लो पकड़ो और लिखो टी। अरे सेठ, मेरा तो डब्बा गोल अंग्रेजी में, मैं कैसे लिखूंगी? ओके, मैं बताता हूँ। टी यू एल एस आई तुलसी। अरे वाह, थैंक यू सेठ। आज पहली बार मैंने अपना नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ देखा है। इसे मैं हमेशा के लिए संभाल कर रखूंगी, मेरी पहचान। और एक मजे की बात बताऊं, तुलसी का एक और नाम वृंदा भी होता है। इसीलिए तो आपको देखते ही मुझे वृंदा नजर आती है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। जी डॉक्टर, जानकी की तबीयत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जब भी वो डॉल को अपने आप से अलग करती है, थोड़ी घबरा जाती है। मिस्टर रघुवीर, मैंने यहाँ को सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया है और उन्हें भी यही लगता है कि जानकी जी को ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? जानकी जी को उस डॉल से दूर करना होगा, वरना वो ऐसे ही असली वृंदा में और गुड़िया में कंफ्यूज होती रहेंगी और उनकी तबीयत बिगड़ती ही जाएगी। ट्रीटमेंट की बात मैं समझता हूँ, लेकिन 6 साल से वो उस डॉल को वृंदा मान बैठी है। अचानक से उसे अलग करना बहुत मुश्किल है और उससे उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। मिस्टर रघुवीर, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, पर जानकी जी के लिए यही सही रहेगा।
अच्छा, तो इलाज के लिए अब गुड़िया को भाभी से दूर करना है। भाई साहब, आपका काम हो गया समझो। सेठ, आप चिंता मत करो। माँ कहती है अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। आप और सिथानी तो अच्छे हो ना, आपके साथ अच्छा ही होगा। थैंक यू बेटा। बस अपने पापा सेठ को बोलना कि वो कोई ऐसा आइडिया दे दे जिससे कि जानकी आंटी वृंदा को वृंदा ही बोले। ये ले, जाके तुलसी के सामान में छिपा दे। उसके बाद जानकी भाभी उठेंगे और उनकी गुड़िया उनके पास नहीं होगी, फिर आएगा असली मजा। बेबी, तुम एग्जैक्टली कर क्या रही हो? मैंने भाभी को दवाई दे दी है। गुड़िया के गायब होने से जानकी भाभी को दौरा पड़ेगा। और वो गुड़िया तुलसी के सामान में मिलेगी। करेक्ट। उसके बाद भाभी के हालात के जिम्मेदार कौन हुआ? आफत। तुलसी। क्या बात है, मतलब एक तीर से दो निशाने लगेंगे। एक तरफ तुलसी घर से आउट और दूसरी तरफ भाभी दिमाग से आउट। क्या बात है बेबी, ब्यूटी विद ब्रेन्स हो तुम। देख क्या रही जाना, और कुछ गड़बड़ मत कर देना, अच्छे से कर लेना प्लीज। आंटी, इतना सा काम मैं एक चुटकी में कर दूंगी। मेरी बच्ची। हाँ चली गई। हाँ चली गई। हाँ। जानकी, रघु। रघु, वृंदा मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। जानकी, वृंदा मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। क्या? गुड़िया खो गई? वृंदा खो गई? जानकी, जानकी, तुमने दवाई ली? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है ना? रघु, नहीं, मुझे कोई आराम नहीं करना है, मुझे बस अपनी बच्ची चाहिए। मिल जाएगी जानकी। जानकी, जानकी, जानकी वृंदा मिल जाएगी। अब बस गुड़िया तुलसी के सामान में मिल जाए, उसके बाद आप खुद ही उसे इस घर से बाहर निकाल दोगे रघुवीर भाई साहब। नए कपड़े, नए बैग, इस छिपकली के लिए सब इसी बैग में डाल रखूंगी मैं। रुको, ये क्या कर रही हो तुम? ये तो सिठाने की गुड़िया है ना, तुम यहाँ क्यों लेकर आई? क्यों बता? अगर ये गुड़िया सिठाने से दूर होती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। लाओ ये मुझे दे दो, मैं उनके कमरे में रख दूंगी। तुम दूर हटो, हर चीज पे तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत है क्या? जब ये डॉल दूर चली जाएगी तभी तो माँ मुझसे प्यार करेगी। पर तुम क्या समझोगी ये सब? तुम्हें तो उनके सामने बस गुड गर्ल का नाटक करना है ना। सॉरी, मैं भी चाहती हूँ कि सिठानी ठीक हो जाए, लेकिन ऐसे अचानक से उनके पास से गुड़िया छीन लेना शायद अच्छा नहीं है। तुम इतनी फिक्र मत करो, वो मेरी मम्मी है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हारी तो मम्मी है ही नहीं, बस पूरे दिन बोलती रहती हूँ माँ कहती है, माँ कहती है। ना फैमिली है ना माँ है, तभी तो तुम यहाँ रह रही हो। मेरी माँ नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो माँ है ना, तो प्लीज ऐसा मत करो। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। जानकी, वृंदा, जानकी, मेरी बच्ची। वृंदा कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ। चली गई थी,
कब से ढूंढ रही थी तुझे यहाँ वहाँ। माँ मैं आपका यहाँ कब से वेट कर रही थी। माँ अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे दोगे ना। हाँ मेरी बच्ची, मेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, जो मांगेगी सब दे दूंगी तुझे। माँ मुझे एक लंबी छुट्टी पे जाना है। छुट्टी? हाँ ठीक है, बस बता कहाँ जाना है, मैं पापा हम सब चलेंगे तेरे साथ। नहीं माँ मुझे अकेले जाना है। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नाराज है मेरी बच्ची मुझसे? मम्मा कान पकड़ के सॉरी बोलती है, माफ कर दे मुझे, और कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आपके पास ही रहूंगी माँ, बस एक नए रूप में। नया रूप? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ माँ आपकी वृंदा बस छोटी सी गुड़िया नहीं रही, वो बड़ी हो गई है और अब वही आपके पास रहेगी। ये डॉल है, कल तक मुझे भी नहीं पता था कि हमारी वृंदा कैसी दिखती है, आज पता है कि हमारी 8 साल की वृंदा कैसी दिखती है। वो कब से तरस रही है आपके प्यार के लिए, उसे भी उतना ही प्यार दोगी ना माँ जितना आप मुझे देती थी। तो चलो अब आपकी आंखें बंद करो, मैं आपका आपकी वृंदा से मिलवाती हूँ। मेरी माँ तो नहीं पर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाती हूँ। चल खोलो माँ, आपकी वृंदा आपके सामने है। बच्ची मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुझ पे ध्यान नहीं दे पाई,
तू तो मेरे पास ही थी फिर भी तुझे प्यार नहीं दे पाई। पर अब कभी गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मम्मा को माफ कर दे। आज से अभी से मेरा सारा प्यार, मेरा सारा वक्त, सब कुछ सिर्फ तेरा है वृंदा, हमेशा हमेशा के लिए। अब दुनिया के सबसे बेस्ट माँ हो और वृंदा भी इस दुनिया की सबसे लकी बेटी है। आप दोनों कभी अलग मत होना। चलती हूँ माँ, बाय। गुड़िया आउट हो गई। ये नहीं हो सकता। तुम्हारी 6 साल की मेहनत पर इस लड़की ने 6 मिनट में पानी फेर दिया है। मुर्गला, मुझे तो भाभी ठीक होती हुई नजर आई। नहीं राकेश, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। इस तुलसी की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं मैं। एक गलती की वजह से ना मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई और वो तुलसी सबके नजर में हीरोइन बन गई। और अगर इस घर से वो नहीं गई ना तो फिर तेरी जगह ले लेगी। मैं ना उस तुलसी को इस घर से निकलवा के रहूंगी, लेकिन मेरे पैसे दे दो। पैसे तुझे तभी मिलेंगे जब कुछ करके दिखाएगी। तुलसी पहले मेरे कमरे में आई, तुलसी की वजह से मेरा पैसा भी गया। अब देख तुलसी मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं 2 से नए नाम मिलाएंगे के सारे शानदार एपिसोड्स। कहाँ गई तुलसी? इस लड़की से बात करने का मौका ही नहीं मिला। बेचारी देवी बनकर आई हमारे घर पर कृपा करने के लिए। तुलसी अब नाटक शुरू। रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? भगवान जी, आपने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया? इतना अच्छा प्लान बनाया था मम्मी को गुड़िया से दूर करने का। तुलसी को तो मैंने दोस्त समझ के बताया था। मुझे क्या पता था वो मेरा आईडिया चुरा लेगी। भगवान जी, जो मुझे करना था भगवान जी वो उसने कर दिया सबके सामने। ये तो चीटिंग है ना भगवान जी। सोचा था मम्मी अगर गुड़िया से दूर हो जाएगी ठीक हो जाएंगी, सब मुझसे खुश हो जाएंगे, लेकिन सब तुलसी से खुश है। पहले मेरे कमरे में जगह ली, फिर मेरा आइडिया चुरा के सबके दिल में जगह ली। मुझे डर लग रहा है भगवान जी, वो तुलसी मुझे अपने मम्मी पापा दादी से दूर ना कर दे। मुझे फिर से अनाथ आश्रम नहीं जाना भगवान जी, मुझे फिर से अनाथ आश्रम नहीं जाना। वृंदा, वृंदा दादी आ
नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं सोचते। तेरी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता और कोई भी तुझे दोबारा हमसे दूर नहीं कर सकता। दादी, पर वो तुलसी तेरी दादी है ना, अपनी पोती के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। तुलसी ने आज मुझे मेरी वृंदा से मिलाया है, उसे गले लगाकर थैंक यू बोलूंगी। गणपति बप्पा मोरया। ये बप्पा सेठ है, सेठों के सेठ। ये दुनिया चलाते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। क्या हुआ दादी? दादी नहीं हूं मैं तेरी। मम्मी जी, क्या हो गया? जानकी, ये लड़की जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। इस लड़की को मेरे पोते के कमरे से अभी के अभी बाहर निकालो। ये लड़की वहां पीछे क्या छुप रही है? सुना नहीं तूने? अपना सामान उठा और बाहर निकल। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हुआ क्या है, इसका सच सामने आ गया है। एक नंबर की झूठी लड़की है ये। आज इसने जो करतब करके हम सबका दिल जीता है ना, और जो गुड़िया को जानकी से दूर किया है, असल में वो सारा आइडिया हमारी वृंदा का था, इसका नहीं। हमारी वृंदा भोली है, इस झूठी लड़की का साया भी मैं इस पर नहीं पड़ने देना चाहती। ये लड़की इस कमरे में नहीं रहेगी। मैंने कह दिया तो कह दिया। अच्छा, छिपकली सो रही है। बहुत प्यार मिल गए से।